हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आज हमारा गेनिंग सीरीज का फोर्थ डे है और आज हम लोग परफॉर्म करेंगे आर्म्स का वर्कआउट। इसमें भी हम लोग चार या पांच एक्सरसाइज ही रखेंगे, लेकिन हर एक एक्सरसाइज के बाद आपको एक ऑल्टरनेट वर्कआउट रहेगा जो आपको करना पड़ेगा, जो डम्बल कर्लिंग होगा। 4.5 या 5 डम्बल से हर एक सेट के बीच में आपको 15 से 20 काउंट डम्बल कर्लिंग के करने ही करने हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं, क्योंकि हमारा आर्म्स का वर्कआउट है बाइसेप्स का। हम लोग शुरुआत करेंगे एक लाइट वेट से। पहले आर्म्स का वर्कआउट है तो वार्म अप भी लाइट वेट से आर्म्स का ही कर लेंगे। पहले 1 2 3 4 5 आपको 20 काउंट करने हैं, क्योंकि फर्स्ट सेट है, वार्म अप सेट है। जितना अच्छा आप वार्म अप करेंगे उतना अच्छा आप मसल्स पे लोड ले सकते हैं। 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इसी तरीके से आपको वार्म अप के 2 सेट करने हैं। आर्म्स का बाइसेप्स का पहला वर्कआउट है, हमने 5-5 किलो की 2 प्लेट लगा रखी है बारबेल कर्लिंग। ठीक है, इसमें भी आपको इतना वेट रखना है कि आपसे 10 से 12 काउंट ही जाएं। ऊपर आने पे मसल्स को स्क्वीज करना, नीचे आने पे स्लोली रिलीज करना है। 1 2 4 5 6। एक बात याद रखिएगा, नीचे जब आएंगे तो स्लो ही आएंगे, फास्ट नहीं आएंगे। फास्ट भी करेंगे तो हम लोग लाइट वेट रखेंगे तब। 9 10 11 12। आपको 12 काउंट के 3 सेट करने हैं। इसके ऑल्टरनेट में डंबल कर्लिंग करना है। डंबल का वेट रहेगा 7.5 या 10 किलो। इतना करना है कि आपको दोनों हाथों से मिला करके वो 30 काउंट है। बारबेल कर्लिंग के बाद ऑल्टरनेट में मैंने बोला था डंबल कर्लिंग करेंगे हर एक सेट के बाद, आपको 30 काउंट करने हैं। कैसे करना है देख लीजिए। ऊपर लाने पे बाइसेप्स को स्क्वीज करना है, स्लोली डाउन लाना है। ऊपर लाने बाइसेप्स स्क्वीज करेंगे, स्लोली डाउन। 2 3 4 5 6। ऊपर आने पे स्क्वीज जरूर रहेंगे, अगर आप स्क्वीज नहीं कर रहे हैं तो आपका वर्कआउट सही नहीं हो रहा है। 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 काउंट करने के तुरंत बाद थोड़ा सा रेस्ट लेंगे। जो इसका थर्ड सेट होगा बारबेल कर्लिंग का, उसमें आप 2.5 केजी वेट और बढ़ा लेंगे, क्योंकि हमको मसल्स गेन करनी है। तो मसल्स गेन करने के लिए हमें वेट बढ़ाकर ही रखना पड़ेगा। अभी इससे पहले हम लोग यूज़ कर रहे थे 5 केजी, अब वेट 2.5 केजी और इंक्रीज कर लिया है, अब हो गया है 7.5 केजी। इस पर भी आपको 10 से 12 काउंट करने हैं, बारबेल कर्लिंग आएगा। मसल्स आर्म्स गेनिंग के लिए बारबेल कर्लिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, इसलिए मैं बारबेल कर्लिंग पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सेट करने के तुरंत बाद फिर से डंबल कर्लिंग करेंगे। इसको ऑल्टरनेट में करना है, आपको बिल्कुल भी गैप नहीं करना है। 30 काउंट, 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13। बर्निंग हो रही होगी, वो बर्निंग आपको वियर करनी है। 20 21
22 23 24 25 26 27 28 29 and 30. एक सेट एक वर्कआउट हो चुका है, अब थोड़ा सा गैप लेंगे लगभग एक मिनट का, पानी पियेंगे। अगर ईडे वाले रखे हैं तो ईडे वाले का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद सेकेंड बार वर्कआउट की तरफ हम लोग मूव करेंगे। बारबेल कर्लिंग ही रहेगा लेकिन इसको हम लोग वाइड ग्रिप से रखेंगे। इसके भी आपको 12 से 15 काउंट करने हैं। वाइड ग्रिप लेंगे, एल्बो स्ट्रेट रहेगा, ऊपर आने पर इसको स्क्वीज करेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 काउंट होने के तुरंत बाद डंबल कर्लिंग करेंगे। सेम 30 काउंट, यह हर एक सेट के बाद आपको अल्टरनेट में करना है। 30 काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 3 4 5 6 7 8 9 and 30. इतना करेंगे। जो सेकेंड सेट होगा वाइड ग्रिप से बारबेल कर्लिंग का, उसमें थोड़ा सा वेट हम लोग बढ़ाएंगे, थर्ड सेट बढ़ा के करेंगे। अपनी जो थर्ड वर्कआउट है ये डंबल हैमर रहेगा, इसमें भी आपको 12 से 15 या 20 काउंट तक परफॉर्म करने हैं। ठीक है, सही पोजीशन कैसे होगी देख लेते हैं। एल्बो आगे रहेंगे यहाँ से, इसको दो तरीके से कर सकते हो, वन बाई वन कर सकते हो, दोनों एक साथ ही ले जा करके कर सकते हैं। अभी फिलहाल हम लोग दोनों एक साथ लेकर करेंगे, कैसे करते हैं देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। डंबल हैमर करने के बाद तुरंत हम लोग शुरू करेंगे डंबल कर्लिंग। इसके भी 30 काउंट करेंगे। अगर आप ज्यादा थक जाते हैं तो 30 से 20 पर भी शिफ्ट कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 काउंट का डंबल कर्लिंग के बाद फिर से अपना सेकंड जो सेट होगा थर्ड एक्सरसाइज का स्टार्ट। सेकंड सेट ये आपका हैमर ही रहेगा, इसको करेंगे साइड से लो। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। इस साइड के अल्टरनेट में भी क्या करेंगे डंबल से कर लेंगे।
हमारा फोर्थ वर्कआउट है कंसंट्रेशन, इसको आपको वन हैंड परफॉर्म करना है और एक हाथ से आपको 12 से 15 काउंट या 20 काउंट आपके स्टेमिना के अकॉर्डिंग करना है। ठीक है, वेट आपको इतना ही लेना है क्योंकि आप गेनिंग करना है तो मसल्स को ज़्यादा इंसल्ट करने के लिए आपको वेट हैवी रखना पड़ेगा। कैसे करेंगे, नीज को एल्बो के पास रखेंगे, स्क्वीज, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। डंबल आप ऊपर लेके आएंगे तो मसल्स को बाइसेप्स को स्क्वीज करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, and 15। आपको सिंगल हैंड करना है, वन हैंड, और दोनों से इक्वल काउंट रखने हैं। इसके अल्टरनेट में भी आपको क्या करना होगा, डंबल कर्लिंग करना होगा, वो भी आपको 30 काउंट या 20 काउंट। हो चुका है अपना, अभी 5 से 7 मिनट का कार्डियो और ऐड करेंगे इसमें ताकि जो बॉडी में डर्ट है, डर्ट की अगर बात करें तो फिटनेस में हम लोग बात करते हैं फैट की, उसको हटाने के लिए। रनिंग नहीं करना है, 5 to 6 मिनट 5 से 6 की स्पीड में आपको सिर्फ वॉक करना है। फिर जब आप आज का सेशन फिनिश हो जाएगा तो आज के सेशन के बाद हम आपको सप्लीमेंट स्टैक की पूरी जानकारी देंगे। ठीक है, रखने अब कर नहीं होगा, ऐसे ही पोस्ट होगा, ये ऐसे ही पोस्ट होगा, ये आपको 5 से 7 मिनट करना है। आज का वर्कआउट यहीं पे खत्म हो। डू व्हाटएवर यू वांट टू डू बट नेवर ट्रेवल योर फादर एंड मदर।